की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं किचन इंग्लिश। इससे मेरा मतलब है किचन वोकैबुलरी और किचन में बोले जाने वाले सेंटेंसेस इन इंग्लिश। वेलकम टू कंटेंट की क्लासेस बाय इंग्लिश कनेक्शन डॉट ऑनलाइन। आज के इस वीडियो का एक भी सेंटेंस, एक भी सेकेंड आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि सारे सेंटेंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आटा गूंदने से लेकर पूरियों को छानने तक, सब्जियों को काटने से लेकर सब्जियों को पकाने तक, सारी इंग्लिश आप इसमें सीखने वाले हैं। जो सेंटेंस आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगे वो कॉमेंट में लिख के जरूर बताइएगा, वो मेरे लिए प्रेरणा का काम करते हैं। सो लेट्स बिगिन। आटा छान लो, आटा पाउडर है और उसे छानने के लिए वर्ब यूज करेंगे आप सिफ्ट, SIFT। तो आप बोलेंगे सिफ्ट द फ्लावर, सिफ्ट द फ्लावर। और अगर आप कोई लिक्विड छानते हैं, जैसे कि बोला जाए चाय छान देना, तो इसके लिए आप वर्ब यूज करेंगे वो है स्ट्रेन, STRAIN, स्ट्रेन द टी, स्ट्रेन द टी। तो हमेशा याद रखिएगा, जब आप कोई पाउडर छानते हैं तो आप सिफ्ट बोलेंगे, और अगर कोई लिक्विड जैसी चीज छानते हैं तो आप बोलेंगे स्ट्रेन। इसी तरीके से अगर आप बोलते हैं पास्ता छान लो, तो उसके लिए आप बोलिए स्ट्रेन द पास्ता, स्ट्रेन द पास्ता। आटा गूंदो, नीड द फ्लावर, नीड द फ्लावर। अब जब आटा गूंद के तैयार हो जाता है तो उसे बोलते हैं डो। अब अगर आप बोलते हैं छोटी छोटी लोइयां बना लो, तो आप बोलिए रोल द डो इनटू स्मॉल बॉल्स, रोल द डो इनटू स्मॉल बॉल्स। अब उसके बाद आप बोलते हैं मैं रोटियां बेल रही हूँ, आई एम रोलिंग द चपातीज, आई एम रोलिंग द चपातीज। या फिर आप बोल सकते हैं आई एम रोलिंग आउट द चपातीज, आई एम रोलिंग आउट द चपातीज। इसके बाद आप बोलते हैं मैं रोटियां सेक रही हूँ, आई एम बेकिंग द चपातीज, आई एम बेकिंग द चपातीज। फिर कोई चीज उबालना है, जैसे कि मान लीजिए आप बोलते हैं दूध उबाल दो, तो आप बोल सकते हैं बॉयल द मिल्क या फिर बॉयल अप द मिल्क, बॉयल अप द मिल्क। दूध गर्म कर दो, तो आप बोलिए वार्म अप द मिल्क, वार्म अप द मिल्क। दूध बह जाएगा, अब यहाँ आप पॉसिबिलिटी व्यक्त कर रहे हैं कि दूध बह सकता है, तो इसे आप बोलिए द मिल्क मे बॉयल ओवर, द मिल्क मे बॉयल ओवर। तो कोई चीज़ उफन के बह जाने के लिए आप फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं बॉयल ओवर। अब अगर आप बोलते हैं दूध बह रहा है, द मिल्क इज बॉयलिंग ओवर, द मिल्क इज बॉयलिंग ओवर। ठंडा हो जाने दो, कोई भी चीज़ ठंडा हो जाए, ऐसे आप बोलते हैं ठंडा हो जाने दो, तो उसके लिए बोलिए लेट इट कूल डाउन, लेट इट कूल डाउन। मान लीजिए आपने पानी उबलने को रखा और वो पूरा का पूरा पानी खत्म हो गया, तो आप बोलते हैं पानी उबलकर खत्म हो गया, मतलब कि गैस बन गया, तो आप बोलिए द वॉटर हैज बॉयल्ड अवे, द वॉटर हैज बॉयल्ड अवे। इसे धीमी आंच पर 10 मिनट के लिए पकाओ, कुक इट ओवर अ लो हीट फॉर 10 मिनट्स, cook it over a low heat for 10 minutes. आँच धीमी कर दो, turn down the heat, turn down the heat. या फिर आप बोल सकते हैं reduce heat to low, reduce heat to low. और अगर आँच बहुत ज़्यादा तेज है और आप कहना चाह रहे हैं medium कर दो, तो आप बोलते हैं आँच medium कर दो, reduce heat to medium, reduce heat to medium. और अगर आँच धीमी है तो आप कहते हैं आँच मीडियम कर दो, तब आप बोलिए इंक्रीज हीट टू मीडियम, इंक्रीज हीट टू मीडियम। और अगर आपको बोलना है आँच तेज कर दो, तो आप बोलिए टर्न अप द हीट, टर्न अप द हीट। कोई चीज़ आप पकने के लिए रख देते हैं, बोलते हैं लगातार चलाते रहो, तो आप बोलिए स्टर कॉन्स्टेंटली, स्टर मीन्स होता है चलाना, तो आप बोलिए स्टर कॉन्स्टेंटली। या फिर आप कहते हैं बीच बीच में चलाते रहें, तो आप बोलिए स्टर ओकेजनली, स्टर ओकेजनली। गाढ़ा होने तक दूध को उबालिए, तो आप बोलिए बॉयल टिल मिल्क इज थिकेंड, बॉयल टिल मिल्क इज थिकेंड। और यू कैन से बॉयल टिल मिल्क थिकेंस, बॉयल टिल मिल्क थिकेंस। दूध फाड़ने के लिए उसमें नींबू का रस डाल दो, add lemon juice to curdle milk, add lemon juice
टू कर्डल मिल्क. तो दूध फाड़ने के लिए यहां आपने यूज किया कर्डल. ठीक है, अब अगर आप बोलते हैं दूध फट गया तो आप बोल सकते हैं मिल्क हैज कर्डल्ड. मिल्क हैज कर्डल्ड, दूध फट गया. इसके लिए आप और तरीके से भी बोल सकते हैं, जैसे कि मिल्क हैज टर्न्ड सावर. मिल्क हैज टर्न्ड सावर, या फिर मिल्क हैज गॉन ऑफ. मिल्क हैज गॉन ऑफ. कड़ाही आंच से उतार लो. रिमूव द पैन फ्रॉम हीट. रिमूव द पैन फ्रॉम हीट. अगला है, एक कटोरे पर मलमल का कपड़ा रखो. तो मलमल के कपड़े को इंग्लिश में बोलते हैं मजलिन. ठीक है, तो आप बोलिए प्लेस मजलिन ओवर अ बोल. प्लेस मजलिन ओवर अ बोल. अब आप बोलते हैं आप फटे हुए दूध को छान लें. स्ट्रेन कर्डल्ड मिल्क. स्ट्रेन कर्डल्ड मिल्क. ब्रेड के किनारे निकाल दो. रिमूव द ब्रेड क्रस्ट. रिमूव द ब्रेड क्रस्ट. अब तिरछा काटकर दो भाग कर लो. ब्रेड को आप तिरछा काटते हैं, जैसे कि आप अगर सैंडविच भी बनाते हैं तो भी तिरछा काटते हैं, तो उसे आप इंग्लिश में बोलिए नाउ कट इन हाफ डायगनली. नाउ कट इन हाफ डायगनली. कोई चीज आप फ्राई करते हैं तो आप बोलते हैं कि पलट के दोनों तरफ फ्राई कर लो. टर्न ओवर एंड फ्राई ऑन बोथ साइड्स. टर्न ओवर एंड फ्राई ऑन बोथ साइड्स. मैं पूरियां छान रही हूं. आई एम फ्राइंग द पूरीज. आई एम फ्राइंग द पूरीज. निकाल कर निथार लो. रिमूव एंड ड्रेन. रिमूव एंड ड्रेन. कई बार हम इस स्पैटुला को साइड में रोककर पहले ऑयल निकाल लेते हैं फिर हटाते हैं, तो आप बोलते हैं छान कर निकाल लो. इसे आप बोलिए ड्रेन एंड रिमूव. ड्रेन एंड रिमूव. चावल बीन दो. जैसे चावल या दाल आप बीनते हैं तो आप उसके लिए बोलिए पिक ओवर द राइस. पिक ओवर द राइस. चावल धो दो. रिंस द राइस. रिंस द राइस. सब्जियां धो दो. रिंस द वेजिटेबल्स. रिंस द वेजिटेबल्स. प्याज भून लो. सॉटे द अनियंस. सॉटे द अनियंस. सॉटे का मतलब होता है कम तेल में चलाते हुए फ्राई करना. ठीक है, गाजर कस लो. ग्रेट द कैरेट्स. ग्रेट द कैरेट्स. कसना यानी कद्दूकस करना, तो उसकी इंग्लिश होती है ग्रेट. ग्रेट द कैरेट्स. ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े कर लो. ब्रेक ब्रेड इंटू टाइनी पीसेस. ब्रेक ब्रेड इंटू टाइनी पीसेस. टमाटर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लो. जब छोटे छोटे टुकड़ों में आप कुछ काटते हैं सब्जियां, तो आप उसके लिए यूज कीजिए चॉप अप. आप बोलिए चॉप अप द टोमेटोज. चॉप अप द टोमेटोज. या फिर चॉप द टोमेटोज अप. चॉप द टोमेटोज अप. अगर आप बोलते हैं टमाटर को दो हिस्सों में काट लो, तो आप बोलिए कट द टोमेटोज इन हाफ. कट द टोमेटोज इन हाफ. अदरक लहसुन को दरदरा पीस लो. दरदरा मतलब महीन न करना, तो आप बोलिए ग्राइंड जिंजर एंड गार्लिक इंटू अ कोर्स पेस्ट. ग्राइंड जिंजर एंड गार्लिक इंटू अ कोर्स पेस्ट. कोर्स का मतलब होता है दरदरा. और अगर आप बोलते हैं मसाला एकदम महीन पीसना, तो आप बोलिए ग्राइंड द स्पाइसेस इंटू अ थिन पाउडर. ग्राइंड द स्पाइसेस इंटू अ थिन पाउडर. और अगर आप गीला मसाला पीस रहे हैं तो आप बोलिए ग्राइंड द स्पाइसेस इंटू अ थिन पेस्ट. ग्राइंड द स्पाइसेस इंटू अ थिन पेस्ट. ढक कर पकाओ. कवर एंड कुक. कवर एंड कुक. ज्यादा मत पकाना. डोंट ओवर कुक. डोंट ओवर कुक. आलू अधपका है, इसका मतलब है कि आलू अभी पके नहीं है या फिर आलू अभी गले नहीं है, तो आप बोलिए द पोटैटोज आर अंडर कुक्ड. द पोटैटोज आर अंडर कुक्ड. या फिर आप बोल सकते हैं द पोटैटोज आर नॉट सॉफ्ट येट. द पोटैटोज आर नॉट सॉफ्ट येट. खाना पक रहा है. द फूड इज कुकिंग. द फूड इज कुकिंग. आलू गल गए. जब कोई चीज ज्यादा पक जाती है तो उसके लिए आप बोलते हैं ओवर कुक्ड, तो आप बोलिए द पोटैटोज आर ओवर कुक्ड. द पोटैटोज आर ओवर कुक्ड. मसाले मिला लें. मिक्स द स्पाइसेस.
Mix the spices. गरम मसाला पाउडर बुरक दो. बुरकने का मतलब होता है कि जब आप अपने हाथों से ऊपर से छिड़क कर डालते हैं तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं स्प्रिंकल. तो आप बोलिए स्प्रिंकल गरम मसाला पाउडर. स्प्रिंकल गरम मसाला पाउडर. नमक और काली मिर्च बुरक दो. स्प्रिंकल सॉल्ट एंड पेपर. स्प्रिंकल सॉल्ट एंड पेपर. गर्मा गर्म परोसिए. सर्व हॉट. सर्व हॉट. करी में नमक ज्यादा है. करी इज टू सॉल्टी. करी इज टू सॉल्टी. और अगर आप इस तरीके से बोलते हैं इस करी में नमक कुछ ज्यादा ही है. देयर इज फार टू मच सॉल्ट इन दिस करी. देयर इज फार टू मच सॉल्ट इन दिस करी. और अगर आप किसी चीज में बोलते हैं थोड़ा नमक और डाल दो. पुट अ लिटिल मोर सॉल्ट इन. पुट अ लिटिल मोर सॉल्ट इन. इसमें नमक लगा दो. जब कोई चीज आप नमक से लपेटते हैं जैसे कि अचार वगैरह या किसी चीज में नमक लगा के रखते हैं तो आप बोलते हैं इसमें नमक लगा दो या नमक से लपेट दो. पिकल इट विद सॉल्ट. पिकल इट विद सॉल्ट. Alright guys, it's all for today. I hope कि आपको सारे के सारे sentences पसंद आए हों और अभी तक आपने अपना favorite sentence comment box में लिख दिया होगा. मैं लेकर आती रहूंगी आपके लिए कुछ ऐसे interesting and important topics. अगर आप मेरे channel पे नए हों तो channel को subscribe जरूर करें और उससे भी ज्यादा important है subscribe करने के बाद जो bell का निशान आता है उसे जरूर प्रेस करें क्योंकि उसके जरिए आपको notification मिलती है मेरी upcoming videos की. फिर मिलती हूँ एक नए topic के साथ. Bye for now.